हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि ये छोटी सी सीडलिंग्स है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं है। इसकी हाइट आप ये देखिए, और ये सभी सीडलिंग्स जो है मेरी सितंबर मंथ की ग्रो की हुई है, मतलब कि लास्ट ईयर की, जो विंटर के पहले मैंने सितंबर में ग्रो किया था और उसके बाद से मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं इनकी रिपोर्टिंग, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर हो रहा है ना, अगर इस वेदर में हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, और सीडलिंग्स भी अब मैच्योर हो चुकी है तो इनको अलग अलग शिफ्ट कर देंगे तो इनमें अच्छी सी ग्रोथ भी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही बास्केट में इतनी सारी सीडलिंग्स है, तो कुछ में अच्छी ग्रोथ हो गई है और कुछ में, इधर देखिए, ये सीडलिंग्स अब एकदम छोटी छोटी सी रह गई है। तो जब हम इनको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम इनको रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि इस एक एक सीडलिंग को आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। इसकी एज की बात करें तो सितंबर में मैंने ग्रो किया था सीड से, तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, उसके बाद डोरमेंसी ही आ जाती है, तो डोरमेंसी में इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। तो अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने इनकी एज हो रही है। तो अब हम इनकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं, और इनका कोडेक्स साइज़ देखिए आप, काफ़ी अच्छा कोडेक्स बना हुआ है। जिनमें स्पेस नहीं मिला उनमें ग्रोथ नहीं हुई है, बाकी जिनमें अच्छी ग्रोथ, अच्छा स्पेस मिला है उनमें अच्छी ग्रोथ भी हुई है और अच्छा कोडेक्स भी बना हुआ है। तो आज हम इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। जो मैंने मीडिया लिया हुआ है, इसमें मेरा सैंड और गोबर खाद मिक्स है, और बाकी चीज़ मैं इनमें एक्स्ट्रा मिक्स करूँगी। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ मिक्स करूँगी, और इस सीडलिंग्स को, छोटी सीडलिंग्स को मैं किस तरीके से रिपोर्ट करती हूँ, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें फंगीसाइड थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 स्पून के आसपास मैंने फंगीसाइड लिया हुआ है, इसको हम डालेंगे थोड़ा सा। और ये जो फंगीसाइड है, ये मेरा है ट्राइकोडर्मा वीडीडी, जो कि अब ट्राइको पावर के नाम से हो गया है पैकेट, और यहाँ पे देखिए ट्राइकोडर्मा वीडीडी लिखा हुआ है। और इसमें हम पोटाश का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी सीडलिंग्स हैं और ये इसमें नॉर्मल ही फ्लावर आएगा। और अब हम दोबारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो है मेरा नीम खली। 2 स्पून के आसपास मैंने नीम खली लिया हुआ है, और अब जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है थोड़ा सा बोन मील। बोन मील का यूज़ बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी सीडलिंग्स है, तो थोड़ा सा यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ हो सके इसमें। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है, और थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, करीब 2 स्पून के आसपास बोन मील भी हो गया। बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी इप्सम सॉल्ट नहीं है तो मैं इप्सम सॉल्ट का यूज़ नहीं करूँगी। अगर होता है तो आप डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। और चलिए वो हम मीडिया को अपने मिक्स करते हैं, और मिक्स करके बताते हैं आपको कि इस सीडलिंग की रिपोर्टिंग हम किस तरीके से करेंगे। और जो सीडलिंग हम इस बार लगाने वाले हैं, ये देखिए मैंने छोटे छोटे से ग्रो बैग लिए हैं, जिनमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से होल्स भी बना हुआ है। और ये ग्रो बैग्स की साइज़ की बात करें तो जो साइज़ है ये 4 इंच का साइज़ है, काफ़ी अच्छा है, मतलब छोटी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा बेस्ट है। क्योंकि जो पहले मैं पॉट यूज़ करती थी ना, पॉट तो एक तरीके से कहें थोड़ा सा कॉस्टली तो जो पड़ता था वो बात अलग है, बट पॉट में स्पेस काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाते थे, तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस की थोड़ी इस समय प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैंने इस बार इस तरीके का ग्रो बैग लिया हुआ है, जिस ग्रो बैग में मैं अपनी छोटी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मीडिया को मिक्स करते हैं, और रिपोर्ट कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ मीडिया को, और मैं इस फंगीसाइड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बायो फंगीसाइड है, तो जिसमें कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना, मतलब जो रॉटिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो तो अलग हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा पानी देते हैं तभी वो रॉट होता है, बाकी कोई भी फंगस जो होता है, फंगस वाली प्रॉब्लम, तो उसे प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए हम इस फंगीसाइड का ही यूज़ करते हैं। बाकी अगर कटिंग वगैरह प्लेस पे लगाना होता है तो मैं साफ का ही फंगीसाइड यूज़ करती हूँ। ये देखिए मेरी मीडिया हो गई मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा मीडिया पहले फिल कर लेंगे, और फिर अपनी एक एक सीडलिंग्स को निकालेंगे और लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फिल कर दिया मीडिया में, मेरे थोड़ा सा मॉइस्चर है क्योंकि थोड़ा सा बारिश मेरे यहाँ हो गया था, बारिश की वजह से मीडिया थोड़ी सी भीग गई है, तो इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर है। ये देखिए मैंने इतना फिल कर दिया,
और इतना फिल करने के बाद मैं एक सीडलिंग निकालूंगी और इसमें रखूंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं मीडिया फिल कर दूंगी। जैसे कि ये देखिए, अभी तो मैं स्पून नहीं ली हूँ, स्पून की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे फिंगर की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए मैंने फिंगर लगाया और मेरी सीडलिंग्स आ गई ऊपर, ये देखिए। और अभी हम इसका रूट वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ये देखिए इसमें ओल्ड लीव है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और ये सीडलिंग का कोडेक्स देखिए कितना अच्छा कोडेक्स बना हुआ है, इतनी छोटी सीडलिंग है और इसका कोडेक्स काफ़ी अच्छा कोडेक्स है। कोडेक्स की बात करें तो 1 या 1.25 इंच के आसपास इसका साइज़ है और काफ़ी अच्छी हेल्दी सीडलिंग है, जैसे कि आप ये ऊपर से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसमें लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि मैं कैसे शिफ्ट करने वाली हूँ। ये देखिए छोटा सा ग्रो बैग है और छोटी सी मेरी सीडलिंग्स हैं। थोड़ी सी मीडिया डालेंगे इसमें चारों तरफ से करते हुए, अब इस साइड से डालेंगे। ये देखिए प्रेस करते हुए ताकि जो भी गैप्स होगा वो गैप्स नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी एक सीडलिंग लग के हो गई रेडी। ऐसे ही हम अपनी सभी सीडलिंग्स की रिपोर्टिंग करेंगे। तो 2-4 सीडलिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे रिपोर्ट करेंगे, बाकी सीडलिंग्स फिर मैं रिपोर्ट कर लूँगी, फिर आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड अब हम अपनी दूसरी सीडलिंग्स को निकालने वाले हैं। तो जैसे कि एक सीडलिंग्स मैंने यहाँ से निकाला था, अगर आप चाहिए तो यहीं से लाइन वाइज निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, जो आपको इसमें से हेल्दी सीडलिंग्स लग रही है आप उसको पहले निकाल लीजिए, लेकिन सभी को मुझे रिपोर्ट ही करना है। तो मैं एक लाइन से ही निकालूंगी और फिंगर की हेल्प से देखिए फिर मैं दूसरी सीडलिंग्स भी निकालने वाली हूँ। ये देखिए हल्का सा प्रेस करिएगा और ये देखिए कितना अच्छा निकल आया है और इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए और कोडेक्स साइज भी इसका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी हेल्दी सीडलिंग्स बनी हुई है। और जबकि मैंने फुल विंटर मतलब पूरी ठंडी मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं दिया है, जो भी इनको पानी मिला है वो बारिश का पानी मिला है, क्योंकि इस बार मेरे रेगुलर बारिश हुई है। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही सेम मैंने अपनी बड़ी वाली सीडलिंग्स को भी रिपोर्ट किया है, जो आप लोगों के संग मैंने शेयर नहीं किया था, सेम इसी मेथड से मैंने उसको भी रिपोर्ट किया हुआ है। ये देखिए मेरी दो सीडलिंग्स लग गई, एक सीडलिंग ये है और एक सीडलिंग ये है। दोनों सीडलिंग्स को मैंने सेम तरीके से रिपोर्ट कर दिया है और ऐसे ही मैं 2-3 सीडलिंग्स और रिपोर्ट करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बाकी फिर मैं अपने से रिपोर्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर हम सारी सीडलिंग्स रिपोर्ट करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम 2-3 रिपोर्ट करके आपको दिखा देते हैं बस। ये देखिए इसमें तो यहाँ से न्यू शूट्स भी आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है। 3 लीव्स भी उसमें है, ये थोड़ी सी छोटी सीडलिंग्स है बट ये भी हेल्दी है। और इसमें हम थोड़ा सा मीडिया फिल कर देते हैं और, क्योंकि सीडलिंग्स थोड़ी छोटी है, और उसके बाद हम इसको रखेंगे इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से और फिल कर देंगे। जी देखिए ये भी सीडलिंग्स मेरी लग गई और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीडलिंग की ओर। ये देखिए आगे से हम पहले छोटी छोटी सीडलिंग्स को निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम बीच वाली सीडलिंग्स को निकालेंगे। ये देखिए बीच छोटी सी सीडलिंग्स है, अभी ये मैंने रखा और ये मीडिया डाले और प्रेस कर दिए। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने अपनी 4 सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर लिया है और इसी मेथड से मैं अपनी ये बास्केट की सारी सीडलिंग्स को मैं रिपोर्ट कर लूँगी और रिपोर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सारी सीडलिंग्स रिपोर्ट करनी है। मेरे पास करीब करीब 4-5 टब मतलब ऐसे हैं जो कि इनमें इस साइज की सीडलिंग्स हैं, तो मुझे सभी को रिपोर्ट करना है। तो सारी सीडलिंग्स तो हम एक साथ रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं जितनी सीडलिंग्स रिपोर्ट मैं कर लेती हूँ वो सभी सीडलिंग्स को मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें ही ऑलरेडी 20 से 25 सीडलिंग्स इस बास्केट में ही है और बाकी काफ़ी सारी सीडलिंग्स है जिसको कि रिपोर्ट करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिपोर्ट करने के बाद सारी सीडलिंग्स आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर नहीं रिपोर्ट कर पाई तो कोई बात नहीं, जितनी मैं रिपोर्ट कर लूँगी उतनी सीडलिंग्स की रिपोर्टिंग मैं आप लोगों के संग जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड हम रिपोर्ट कर लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने अपनी सभी सीडलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर लिया है। ये टोटल 24 या 25 सीडलिंग्स हैं जिनको कि मैंने अभी रिपोर्ट किया हुआ है, जो कि छोटे से बास्केट में लगे हुए थे, और अभी मुझे इतनी सारी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करना बाकी है।
जो कि अभी मुझे रिपोर्टिंग करना है, बट अभी मैं आज रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, देखूँगी इसको कल या परसों मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी सीडलिंग्स हैं और सबको रिपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं रिपोर्ट करूँगी। बाकी एक बास्केट की सीडलिंग्स को मैंने रिपोर्ट कर लिया है, जो कि आप लोगों के संग मैंने शेयर भी किया, और इसका जो भी मैं केयर करती रहूँगी सब कुछ आप लोगों के संग आगे स्टेप बाई स्टेप शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और जो भी मैं केयर एंड टिप्स इसकी करूँगी सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करती जाऊँगी। तो वैसे ही आप सभी लोग अपनी सीडलिंग्स में भी कर सकते हैं, जिससे कि सीडलिंग्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी बनी रहेगी और एक भी सीडलिंग्स आपकी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मेरी सभी सीडलिंग्स कितनी हेल्दी है सीडलिंग्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यही पेंट। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।